बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स केपीके की चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन की एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो नंबर 5 है, वॉल्यूम ऑफ गैस वी वेरीज इनवर्सली एज प्रेशर पी। वॉल्यूम वी और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो प्रेशर 300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है और वॉल्यूम 400 क्यूबिक मीटर है। फाइंड प्रेशर व्हेन वी इज इक्वल टू 3 क्यूबिक मीटर। तो इनवर्स रिलेशन है और प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए हम के लगाते हैं, तो वी इज इक्वल टू के डिवाइड बाय पी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो पी वी इज इक्वल टू के। अब के हम मालूम कर सकते हैं, प्रेशर है 300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और वॉल्यूम है 4 क्यूबिक मीटर, तो इसे हम के मालूम कर सकते हैं। के इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, 2 मीटर के साथ कैंसिल, और 300 मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 1200 न्यूटन मीटर। ये हमारे साथ के आ गया 1200 न्यूटन मीटर। अब रिक्वायर्ड है पॉइंट प्रेशर व्हेन वी इज इक्वल टू 3 क्यूबिक मीटर, तो हमारे साथ रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू के। तो प्रेशर मालूम करना है तो पी इज इक्वल टू K डिवाइड बाय V, तो P इज इक्वल टू K हमने मालूम किया 1200 न्यूटन मीटर और K और V हमारे साथ है 3 क्यूबिक मीटर, तो 3 1 3 3 4 12 400 आ गया। तो P इज इक्वल टू 400 न्यूटन, 1 मीटर 1 मीटर के साथ कैंसिल, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो प्रेशर हमारे साथ मालूम हो गया 400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।